बीटेक छात्र की सड़क हादसे में मौत। सोनीपत के मुरथल रोड पर रात्रि को हुआ दर्दनाक हादसा। दर्दनाक हादसे में बीटेक मैकेनिकल सेकंड वर्ष के छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फरीदाबाद के रहने वाले साई प्रेमदीप को कूड़ा उठाने वाले JBM ट्रक ने कुचला दिया। बाइक पर सवार होकर दो दोस्त यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मृतक साई प्रेमदीप यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। घायल यश भिवानी के गोपी गांव का रहने वाला है। यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। साई प्रेमदीप अपने परिवार का इकलौता बेटा था और एग्जाम देने के लिए देर शाम सोनीपत पहुंचा था। ट्रक चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। पुलिस से पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरा नाम दीपक नायक है। जी जी, मेरे बेटे का देहांत हो गया। नाम साई प्रेमदीप नायक। जी जी, कल ही फरीदाबाद से आया था बस स्टैंड से, और फिर बाइक लेकर मुरथल की तरफ जा रहा था। जी जी, वो उसके बगल में एक डंपर भी था जो काफ़ी रश चल रहा था जो सुनने में आया, और उसके साथ लगकर वो गिर कर वहीं पर स्पॉट उसके डेथ हो गई। ठीक। और ट्रक वगैरह की पहचान हो गई है? जो ट्रक का वो JBM का ट्रक बोल रहे हैं। जी जी जी, कूड़े वाला था। जी जी जी, पकड़ लिया वो या? हाँ, वो हमने स्टेशन में तो है, पुलिस ने पकड़ के रखा है। जी जी जी, क्या मांग करते हैं अभी आप? मैं IT में काम करता हूँ जी, जी हमारे दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में BTech मैकेनिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। कल ये हमें जैसे पता लगा है पेपर दे करके सोनीपत की तरफ आ रहा था अग्रसेन चौक के करीब, जब ये अपने बुलेट बाइक पे था, इसका बुलेट बाइक स्लिप हो गई। पीछे से जो ट्रला रहा था उसने उसकी चपेट में आ गया, ऊपर से चला गया इसके गर्दन के ऊपर से। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे विद्यार्थी थे और भी कुछ अच्छे पहुँचे मौके पे, तो मौके पर इसकी मृत्यु होगी वहाँ। तो आज हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में के मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए आए हुए हैं जी। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा ही पूरे विश्वविद्यालय में ही एक शोक की लहर है। जैसे ही सभी को पता लगा है, बड़ा ही दुखद ये घटना घटी है। क्या नाम था जी छात्र का? ये साहिल ठाकुर था जी। कहाँ से ये जी? इसके पिताजी तो फरीदाबाद में जॉब करते हैं, IT कंपनी में हैं, सेक्टर 16 फरीदाबाद में रहते हैं फिलहाल। वैसे ये इसके पिताजी उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो इसके परिवार, जैसे ही इनके परिवार वालों को पता लगा, रात को लगभग 11 बजे के करीब इनके रिश्तेदार और भी पहुँचे विश्वविद्यालय के अंदर। हमारे साथी महेंद्र सैनी भी थे, मैं भी था, साथी चांदराम भी थे, साथ थे बिल्कुल। अब भी कर्मचारी भी आए हुए हैं यूनिवर्सिटी से, महेंद्र जी हैं, चांदराम जी हैं, और विद्यार्थी भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं यहाँ पोस्टमार्टम मोर्चरी हाउस में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।